अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा से गुलशुदा थी। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जब इसरा की भाभी घर जाती है तो वो जाकर इसरा की अम्मी को बताती है कि हमने सुल्तान को किसी लड़की के साथ देखा है। तो उसकी माँ कहती है कि खैर है, ये नॉर्मल बात है, आजकल के लड़के ऐसा ही करते हैं, शायद उसकी कोई कोलीग होगी। तो इसरा की भाभी कहती है कि हमने भी यही समझा था कि शायद उसकी कोई कोलीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने उसे कन्फर्म करने के लिए फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं तो ऑफिस में हूँ। इधर जब सुल्तान घर आता है और वो देखता है कि इसरा कहाँ है, तो वो इसरा के पास जाता है और उसे कहता है कि इसरा, ये तुमने क्या किया, तुम मेरे पीछे क्यों आई, तुमने ये सोच भी कैसे लिया। मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मैं कामयाब पर्सन हूँ, मेरे हज़ारों चाहने वाले हैं, हज़ारों लोग मुझसे मिलते हैं, और तुम्हें क्या लगता था कि मैं शादी के बाद ये सब छोड़ दूँगा या वो सब मुझसे मिलना छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुमने मेरे घर रिश्ता क्यों भेजा? तुमने मुझे क्यों फंसाया? तुम किसी नॉर्मल इंसान से शादी कर लेती जिस के साथ तुम खुश रह सकती वो और तुम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी को आज़ाद कर दिया। मैं इस तरह तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इधर इसरा बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बाहर आकर कॉल करती है अपनी अम्मी को, कहती है कि अम्मी प्लीज़ ड्राइवर को भेजें और आकर मुझे ले जाएं, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। तो उसकी माँ आगे से बिल्कुल नहीं बोलती। तो इसरा कहती है आप सुन रही हैं ना, आप ड्राइवर को भेज रही हैं ना? तो उसकी माँ कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं ड्राइवर को भेज रही, तुम जैसी भी हो तुम्हें वहाँ ही रहना होगा। तो इसरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।